हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो आज का वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसे पीने से खांसी, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सांस से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है। सूजन भी कम करने में मददगार माना जाता है और ये भारतीय रसोई में सबके घरों में आसानी से मिल जाती है और इसे तेजपत्ता हम सभी कहते हैं। और इसके फायदे जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। इसका इस्तेमाल कर कई शारीरिक बीमारियों से बचा सकता है। तेजपत्ते के अर्क में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे सूजन कम करने में मददगार होता है। इस पानी को बनाने के लिए एक बर्तन में एक गिलास पानी लेंगे और उसमें हम दो तेज पत्ता को धोकर डाल देंगे। कुछ देर आंच पर रखने के बाद आधा पानी जब इसका जल जाए, देखेंगे कि आप इसमें कलर आ जाएगा। उसके बाद इसको अब हम एक चाय छन्नी से छान लेंगे और इस पानी को आप सेवन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं। और इस पानी को पीने से वजन भी कम होता है। तेजपत्ता उन जड़ी बूटियों में से शामिल है जो भूख को नियंत्रण कर सकता है और इसलिए इसका सेवन करने के बाद व्यक्ति अतिरिक्त कैलोरी लेने से बच सकता है और वजन को नियंत्रित रख सकता है। तेजपत्ता डायबिटीज मरीजों के लिए भी बहुत लाभकारी है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी द्वारा अध्ययन किया गया है कि तेजपत्ता का कैप्सूल का सेवन करने से इंसुलिन का लेवल में सुधार आता है। तेजपत्ता केवल खाने और औषधीय गुणों से भी नहीं, ये जानकर आप हैरान होंगे कि तेजपत्ता का इस्तेमाल से आप अपने त्वचा और बालों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। आपके चेहरे पर दाग धब्बे या मुहासे हैं तो तेजपत्ता का लेप लगाकर या तेजपत्ता डालकर उबाले हुए पानी से आप अपने चेहरे को साफ और बेदाग बनाए रख सकते हैं। तेजपत्ता का पानी सूर्य की किरणों के प्रभावित त्वचा को भी ठीक करने में मदद करता है। बालों को नर्म, मुलायम और चमकदार बनाने के लिए तेल में तेजपत्ते को डालकर और उस तेल को बालों को जड़ों में लगाएं या उबाला हुआ पानी से आप बाल को धो सकते हैं। आपके घरों में यदि मच्छर है तो तेजपत्ता जलाएंगे तो आपके घर से सारे मच्छर भाग जाएंगे। और तेजपत्ता का पाउडर से यदि आप अपने दांत साफ करते हैं तो उसकी सफेदी और चमक बरकरार रहेगी। चाहे तो आप तेजपत्ते को सुखाकर उसका पाउडर भी बना सकते हैं और पाउडर से भी दांत को साफ कर सकते हैं। तो आप भी इस तेजपत्ते का लाभ उठा सकते हैं। तेजपत्ते का लाभ आप जान चुके हैं, लेकिन इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से नुकसान भी हो सकता है। किन लोगों को तेजपत्ता का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए? जैसे गर्भावस्था हो या स्तनपान करा रहे हो, तेजपत्ता का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स, अब वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और जो नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी तरह आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और हेल्दी रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।